और जिस व्यक्ति को स्वप्न दोष जैसी समस्या हो जाती है यह उसमें भी लाभ देता है। ये आपको बहुत सारे लाभ देगा, लेकिन इसमें क्या होता है, सावधानी क्या आपने बरतनी है। नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। शीशम के पत्ते जो है पेट के लिए कैसे अमृत साबित होते हैं। अभी दोस्तों गर्मियों का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हमने सोचा कि आपके लिए ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि आपकी पेट की गर्मी को शांत करे। ये जो शीशम के पत्ते होते हैं ना दोस्तों, ये आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इस प्रकार के दिखते हैं। अब इसके फायदे क्या है, इसको लेने से होता क्या है, ये सब आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप भी दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों शीशम के पत्ते जो है गर्मियों में बहुत काम आने वाली चीज है। ये जो आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये है शीशम के पत्ते। अगर आपको जलन टाइप महसूस हो रहा है पेट में, या फिर आपके नाक से खून निकल रहा है, या किसी अंग किसी भी बॉडी में अंग से खून निकल रहा है, तो ये तुरंत उसको बंद करने में इतनी पावर रखता है कि तुरंत ठंडक पहुंचाने का काम करता है। तो 5 से 7 पत्ते अगर इसको डेली बेस में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पेट में ठंडक पहुंचाने का काम करेगा। किसी व्यक्ति की नाक में से खून निकल रहा है तो उसे यह तुरंत बंद करेगा। जिस व्यक्ति के पेट में अल्सर बन रहे हैं उसको यह ठीक करने में सहायता देता है। जिस व्यक्ति के पेट में एसिड की वजह से जलन हो रही है उसको यह शांत करने में मदद करता है। जो व्यक्ति दोस्तों हैप्पी नहीं रहता है उस व्यक्ति को हैप्पी हार्मोन्स की कमी को यह दूर करने में मदद करता है। दोस्तों जो व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहता है ये स्ट्रेस कम करने में भी सहायता देता है। गर्मी की वजह से हमेशा सर गर्म रहता है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ये उसको पॉजिटिव करने में भी मदद करता है। ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है दोस्तों। वैसे तो इसके पेड़ के जो है दोस्तों फर्नीचर बनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन इनके जो पत्ते होते हैं वो भी मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। जिस व्यक्ति को खून की कमी हो रही हो, HB की मात्रा कम हो रही हो उसको भी बढ़ाता है। रेड ब्लड सेल भी जो जिस व्यक्ति के कम हो रहे हो उसको भी ये बढ़ाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जिस व्यक्ति को डायरिया की प्रॉब्लम हो रही हो, बार बार लूज मोशन की समस्या हो रही हो, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। और तो और दोस्तों जिस महिलाओं को लिकोरिया जैसी समस्या हो जाती है ये उसको भी कंट्रोल करने में सहायता देता है। और जिस व्यक्ति को स्वप्न दोष जैसी समस्या हो जाती है यह उसमें भी लाभ देता है। और साथ ही साथ जिस व्यक्ति को चर्म रोग हो जाते हैं या मूत्र विकार हो जाता है उसमें भी ये लाभ देता है। तो दोस्तों ये गर्मियों का टाइम है, इसका आप 5 से 7 पत्तियों का खाली पेट सुबह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत सारे लाभ देगा, लेकिन इसमें क्या होता है, सावधानी क्या आपने बरतनी है। इसको रेगुलर बेस में 3 या 4 दिन ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगर आप रेगुलर बेस में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेट में ज़्यादा ठंडक पहुँचनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो है बर्फ़ से भी, कहते हैं कि ये बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा होता है, इतना तासीर में ठंडा होता है, ये आपकी बॉडी को तुरंत ठंडक पहुँचाने का काम करता है। तो इसका जो आप इस्तेमाल करें 3 या 4 दिन रेगुलर बेस में इस्तेमाल करें, उसके बाद आप 5 या 6 दिन आप उसको गैप कर दीजिए, उसके बाद फिर आप 2-3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसका रेगुलर बेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मन में भी दोस्तों अगर कोई सवाल आ रहा है इसको लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। आप भी दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल आइकन का आपको बटन दिख रहा है इसको तुरंत हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।